कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत करते हैं किट्टो ब्लॉग्स के नए यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आज मेरे पति देव का ट्रेन है शाम को और उनका पैकिंग करना है, मैंने बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में। और अभी ये गए थे कुछ सामान लेने के लिए, मतलब पापा जी के लिए कपड़े, ससुर जी के लिए। तो पापा जी बोलेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे कौन से पापा, आपके पापा की उनके पापा। तो मेरे दोनों पापा हैं, तो उनके लिए कपड़े लेने गए थे। सासू माँ के लिए मैंने ले लिया था जो पूजा, जो कि हम लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप पूजा नहीं सुनिएगा गृह प्रवेश के लिए आप, क्योंकि प्रेग्नेंट हैं। और हमने पूछा पंडित वगैरह से, सबसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप लोग सुन सकते हो लेकिन गांठ नहीं बांध सकते। तो मैंने बोला कि नहीं, जो घर के बुजुर्ग हैं बड़े हैं वही सुने, अच्छा लगेगा। तो उसके लिए गए थे वो कपड़ा वगैरह लेने। तो मैं थोड़ा कपड़ा दिखाऊँ, अपने ससुर जी का कपड़ा दिखा दी, कुर्ता पैजामा। सासू माँ किस कलर का लिए हैं? पीले कलर का। वाह, सासू माँ ससुर जी पहनेंगे मैचिंग मैचिंग। हम लोग मैचिंग पहनते हैं तो नहीं पहन सकते। और सासू माँ का मैंने, आप लोगों ने चूड़ी तो देखा ही है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। अरे वाह, कॉटन दिए ना बाबू, अच्छा लगेगा, पापा पहनेंगे। फ्री साइज दिए ना एकदम। तो ये रहा ससुर जी के कपड़े, आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। ये बोल रहे थे कि उस टाइप का लेने, क्या बोलते हैं, धागे वगैरह टाइप का। मैं बोली ना पापा को ना सिंपल प्लेन अच्छा लगेगा और पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चड्डी गंजी, अच्छा हाँ, बोले कि वो मत लेना, फोन ही करके पूछे, साइज पूछ रहे थे तो बोले कि वो मत लो, हमने यहाँ से ले लिया है। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं। और रुमाले भी ले लिए हैं, अच्छा ये कपड़े साथ ही रख दो यार। हाँ लिए तो है रुमाली उमाली वगैरह, ये हैंकी नहीं वो रुमाली होता है, पापा लिए हैं। अच्छा लिए हैं, तो ये इनके साथ हैंकी और ये सब इसमें डाल देते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी जेठानी जी देखेंगी तो फिर दिखा देंगी कि हाँ ये कैसा लग रहा है। और चूड़ी भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सासू माँ का चूड़ी कैसा है। मैंने अपने नंद जी को कॉल करके दिखाया तो बोली बहुत ही सुंदर लग रहा है। वंदना दी ने भी देखा, बोली हाँ अच्छा लग रहा है। पता है आपको, हमने तो लगवा लिया, फिर वो बोल रहा है ना 900 रुपया हो गया। मैं बोली भैया आपने मुझे प्राइस तो बताया ही नहीं, और ज्यादा तो जैसे कि दुल्हन वाला तो है नहीं कि इतना महंगा बता रहे। तो फिर करते 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 700 का दिया है उनका चूड़ी। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं। और रही बात, एक चीज और मैं आप लोग को बहुत ही एक अच्छा चीज दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने नए घर के लिए नेम प्लेट बनवाया है जो कि हमारे नाम से और हमारे पतिदेव के नाम से रहेगा। तो ये चीज मैं आपको, ये बाबू थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, वो करके दिखा दो, बैक करके ना, बैक करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये है अमित एंड किट्टो जायसवाल। बोलो बोलो बोलो, देखो ऐसे ही डांटते हैं, घर जाते जाते मुझे डांट रहे हैं। डांटते क्या है, जब तुम्हें पता है कि अगला इंसान बिजी है, 75 काम है अभी उसको, बाबू काम रहता है एक दो, लेकिन 75 तो नाम क्यों बोलते हो, हमेशा यही बोलते हो। एक देखो बोल रहे, ज्यादा बोलोगे थपड़वा फोड़ देंगे। ये खा लो, लाए हैं क्या, लाए हैं देखो, लाए टिक्की समोसा। अरे तो कपड़े देखी, तो देखी, नहीं जानती कुछ भी, हम कुछ लाए मारे मार देंगे तो फिर हम और वाव गांव वाला टिक्की। चलिए गाइस, हम खा करके आप लोग से मिलते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं क्योंकि ऋषभ का तबीयत नहीं सही है, उसकी आंखें आ गई हैं और बुखार भी उसको है। लो इसका वीडियो थोड़ा हमको शूट करके दे देना क्योंकि हमने शूट नहीं किया था खाने पीने का। लो अच्छा, तो एक मम्मी को दे दो, थोड़ा अच्छी दीदी को लो, एक मम्मी को, एक किसको, सोनाक्षी दीदी को बोलो चटनी चाहिए तो आज आके यहीं बैठ के खा लें। तो मैं टिक्की खा रही हूँ, अब जा रही हूँ पति देव के लिए चाय बनाने। रख दिया, मसाला की तैयारी कर लिया है, ये इनको जाना रहेगा तो जल्दी खाना बन जाएगा आज, तो ये खा के ही जाएंगे। तो पनीर की सब्जी उब्जी बनाएंगे, पनीर मंगा लिया है लेकिन मसाला नहीं है। तो भी मैं फोन करूंगी, फिर चिल्लाएंगे कि एक ही बार में बोला करो जो बोलना रहा, पहले हमसे 25 बार मत बोला करो। चलते हैं और थोड़ा सा इनकी डांट भी सुन लेते हैं क्योंकि पक्का बोलेंगे ये वर्ड, वरना मैं आप लोगों को कॉल रिकॉर्ड सुना देती।
मसाला था 50 रुपये का, मतलब ये गरम मसाला पीछे से आ रखा था, लेकर आई थी वंदना जी, तो मुझे नहीं पता था, तो वही बताई है कि मसाला रखा हुआ है। तो टमाटर आएगा, टमाटर पीसेंगे, इनको आ जाने देते हैं, बच गई डाइट खाने से। चाय भी बन गया लोटे वाली। हाँ, जब मैं बर्तन खरीदने गई थी ना, तो उस दिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि तो दीदी आपने लोटा नहीं लिया चाय वाला। तो ऐसा नहीं है, लोटा में छान देते कि आसानी से निकल जाता है, छान देते उसको धुलना रह जाता है ना। अब मुझे इसको धुलना था, तो इसमें मुझे दूध खोलाना, तो इसको दूध खोलाने के लिए और पनीर भी मैंने काट ही लिया है। और पति देव का जानते हैं, अभी मैं बोली ना एक रील्स बना दीजिए आके नॉर्मल में, तो इतना तेज चिल्लाए मेरे को तो क्या बताएं। चाय तो अभी चाय दे देते हैं, लो चाय। 2 मिनट रुक जाती यार, हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, काम मिला हुआ है, खो जाए तो फिर फुर्सत में हो जाए हम बिना। आप कभी बोलते हैं कि मैं फुर्सत में हूँ, अब तुम देख तो रही हो सुबह से हालत मेरे, कितनी बार दौड़ चुका हूँ। काट देता ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा कड़ा रखा हुआ है, मैं अभी डेली कड़ा रखा हुआ रख दिया था मैंने। हाँ, वो तो मेरे को पता था, बट फिर भी क्या, एक दर्जन कितनी होती है? इतनी होती है, इतनी होती है भैया, पन्नी में ऐसे लगा के दीजिए, ऐसे निकल जाएगा सब। डेढ़ कर दो ना, डेढ़ कर दो, 250 रुपये का बन जाएगा, ठीक है। और कांच की वैसे सही रहेगा, कांच की, कांच की कितने की? नहीं, कांच की सही रहेगा। आज इनसे हमको बहुत डांट मिली है, बहुत चिल्लाते हैं, ये कहीं जाते हैं ना तो फिर इनका जैसे दिमाग काम खा जाओ, गली हमारा नोच रही है, ये खाने वाली चीजें जो हम खाएंगे खींच रही है। आप मेरे उससे आज क्यों इतना रूडलियों के बात कर रहे हैं? हम करेंगे, चलिए कोई हम बात को नहीं करेंगे। जीवन साथी है ना, सब कुछ सहने की आदत आराम से। और गाइस, खाना बन गया है, सब्जी बन गया है, रोटी वंदना जी बना रही है, ये खा के निकलेंगे। और हमको समझाया कि दवाई टाइम पे खाया करो, ये जब हमको बोलते तभी मैं खाती हूँ, और खाना भी याद दिलाते तभी खा लेती हूँ, खाना कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन फ्रूट्स में भूल जाती हूँ, और फ्रूट्स मेरे रुखे सूखे पड़ जाते हैं रखे। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, लेकिन आज इनसे बहुत डांट खाने को मिली, कुछ खाने को मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन डांट खाने को बहुत मिली। लेकिन एक बार मैं आप लोग के सामने ना इनका जो गुस्सा एकदम खतरनाक वाला गुस्सा है ना, एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। उस टाइम दिमाग ही नहीं काम करता, ये जब डांटते हैं तो मेरे को ऐसे ऐसे आंसू निकलने लगते हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। ये है कि जब भी डांटते हैं मैं शांत रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ, बड़ा नहीं बोलती हूँ। चलो इसी बात पे तो मेरे कसम खा दो कि अगर तुम चिल्लाते तो फिर मैं रोती नहीं हूँ, मैं तुरंत रोने लगती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि यार चलो कम से कम एक लोग शांत रह गए, ये खुद ही शांत हो, मैं बस खाली ऐसा काम करो तुमको गुस्सा ना दिला। मैं ना इतना रोने लगती हूँ, इतना रोने लगती हूँ, फिर आगे कहेंगे ऐसा होता है। तो चलिए ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं, मजाक मस्ती तो चलती रहती है, और अभी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, और आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ यार अमित जायसवाल के चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।